मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चक्रवात के प्रभाव में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से जिले में हजारों हेक्टेयर में लगी खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें सोयाबीन, उड़द और मक्का की मुख्य फसलें हैं। बारिश का पानी के खेतों में भरने से सोयाबीन, उड़द गलने लगी है। वहीं निचले इलाकों के खेतों में पानी भरने और तेज हवाओं के चलते खेत में लेटी धान की फसलों की बालियां को भी प्रभावित करने की आशंका बढ़ गई है, जिसे देखते हुए अब शासन के निर्देश में राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान हुए फसलों के सर्वेक्षण में उतरी है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद विभाग और जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। हालांकि प्रारंभिक अनुमान में कृषि विभाग ने सोयाबीन, उड़द और मक्का की लगभग 7 से 8 हजार हेक्टेयर रकबे को नुकसान के दायरे में रखा है। इनके आंकड़ों में उतार चढ़ाव हो सकता है। पूर्व में दर्जनों किसानों ने बारिश में सोयाबीन, उड़द और मक्का जैसी फसलों के बर्बाद होने की शिकायत लेकर कलेक्टर से मुआवजे की मांग की थी। अब सर्वेक्षण के आदेश के बाद किसानों ने राहत महसूस की है। दरअसल अतिवृष्टि से जिले के निचले इलाकों करेली, गोटेगांव और चिचली में खासकर सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है और बारिश के चलते इसको काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य विकास खंडों चावरपाठा, नरसिंहपुर और साईखेड़ा में भी आंशिक नुकसान से इनकार नहीं करने की बात कही है। जिले में सोयाबीन की लगभग 24,000 हेक्टेयर फसलें लगाई गई हैं। इनमें लगभग 2 से 2,500 रकबे की फसल प्रभावित हो चुकी है। इसके अलावा 50,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे पर लगाई गई मक्का के लगभग 500 से 1,000 हेक्टेयर तो 32,000 हेक्टेयर में लगी उड़द के 4,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के पानी से तैयार मक्का, उड़द और सोयाबीन की फसलों के दाने चमकहीन हो जाएंगे। इससे किसानों को बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए ऐसे फसलों की बीज आगामी साल बुआई में काम नहीं आ पाएगी। इसके अलावा पानी अधिक दिन तक लगे होने से खेतों में फसलें खराब हो जाएंगी, जबकि निचले इलाकों में लगातार बारिश होने से बन रही नमी के कारण आगामी रबी की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। निचले इलाकों के खेतों में लगी सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका ज्यादा बताई गई है। राजस्व और कृषि विभाग की टीम सर्वेक्षण फिलहाल कर रही है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खबरें निकल कर आ रही है कि जगह जगह पर अतिवृष्टि के चलते काफी जगहों पर सोयाबीन की फसल ज्यादा प्रभावित होती दिखाई दी है। ऐसे में जानकार मानकर चल रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों को आगे चलकर सपोर्ट मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।